अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में जहां रन और शतक ही दिग्गजों की कहानी लिखते हैं, वहां एक ऐसा नाम है जो विराट कोहली, डेविड वार्नर और डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के चमक के बीच अक्सर छुपा रहता है। पूर्व दक्षिण अफ्रीका के कप्तान और मॉडर्न मास्टर फैफ डुप्लेसिस का लगभग 11,000 अंतर्राष्ट्रीय रन, 23 अंतर्राष्ट्रीय शतक और 60 अर्धशतक, ये भयानक आंकड़े उनकी प्रतिभा और जुनून का गवाह है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके ही देश के क्रिकेट बोर्ड ने उनकी कीमत नहीं समझी। जब वो अपने फॉर्म के पीक पर थे, तभी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। ये कहानी उस बदनसीब क्रिकेटर की है जिसे उसी के अपनों ने गुमनामी के समंदर में झोंक दिया। फॉफ डुप्लेसिस का जन्म 13 जुलाई 1984 को प्रिटोरिया में एक खेल प्रेमी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम फ्रैंकोइस डुप्लेसिस है। उनके पिता फ्रांसिस डुप्लेसिस एक प्रोफेशनल रग्बी खिलाड़ी थे जो नॉर्दर्न ट्रांसवाल के लिए खेलते थे, और नामीबिया के रग्बी खिलाड़ी मार्शल डुप्लेसी भी उनके कजन भाई हैं। फाफ ने बचपन से ही खेलों का शौक रखा और 16 साल की उम्र में क्रिकेट में अपना करियर शुरू किया। फाफ डुप्लेसिस का क्रिकेट का सफर तब शुरू हुआ जब वह पहली बार अपने स्कूल टीम में चुने गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई अफ्रीकांस बॉयज हाई स्कूल प्रिटोरिया से पूरी की। आपको बता दें कि यह वही स्कूल है जहां से एबी डिविलियर्स ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। दोनों ने बचपन से ही काफी साथ में क्रिकेट खेला है और ग्रुप क्रिकेट में काफी सफलता पाई है। जहां डी विलियर्स का करियर काफी बुलंदियों पर पहुंचा और हाई स्कूल पूरा करते ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सीनियर टीम में स्थान मिला, वहीं डुप्लेसिस को घरेलू टीम में भी जगह नहीं मिल पाई थी और उनका संघर्ष वर्षों तक जारी रहा। जब घरेलू क्रिकेट में फाफ को ज्यादा मौके नहीं मिले तो उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को नया रुख देने के लिए काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 2008 में फाफ ने लैंकशायर टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और 10 मैचों में 3 शतकों सहित 560 रन बनाए। उनके इस प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान फाफ की तरफ आकर्षित किया। काउंटी क्रिकेट के भट्टी में तपकर और अपने खेल को और बेहतर बनाकर फाफ 2010 में स्वदेश लौट गए और साउथ अफ्रीका ए के लिए शानदार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं के रेडार में आ गए। फाफ ने 2011-2012 में साउथ अफ्रीका के लिए सभी 3 फॉर्मेट में अपना डेब्यू किया। उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में ही शतक बनाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक नाबाद 78 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को ड्रॉ कराने में मदद की। उन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू में भी शतक बनाया और इंडिया के खिलाफ एक जीत करी पारी खेली। उन्होंने अपने T20I डेब्यू में भी अच्छा प्रदर्शन किया और इंग्लैंड के खिलाफ 28 रन बनाए। फॉफ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत के बाद विश्व कप 2011 की टीम में जगह बनाई। उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जब उन्हें क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड से हारना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका विश्व कप से बाहर हो गया तो उनके लिए यह एक बुरा सपना बन गया। इस मैच में एबी डिविलियर्स के साथ उनकी भागीदारी के दौरान एबी का रन आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के समर्थकों ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। फाफ ने इस घटना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने गेम पर ध्यान केंद्रित रखा। उसी साल CSK ने उन्हें IPL में अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने IPL में कई धमाकेदार पारियां खेली। 2012 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका की T20 टीम का कप्तान बनाया गया। फाफ ने अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 2015 में उन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हैं जो तीनों फॉर्मेट में फिट रहते हैं, और फाफ उनमें से एक थे। फाफ ने 2015 के विश्व कप में भी अपना कमाल दिखाया और वह एबी डिविलियर्स के बाद दूसरे सर्वोच्च रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 2018 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को घरेलू और विदेशी दोनों सीरीज में हराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बन गए।
अभी तक चीजें बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन 2019 का वर्ल्ड कप फैफ के लिए बुरा साबित हुआ। उनके कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने 8 मैचों में से केवल 3 ही जीते और टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और वही हुआ जिसका डर था। उन्हें बिना किसी कारण के 2019 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई टीम से बाहर कर दिया और उनसे कप्तानी भी छीन ली गई। फाफ अब सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान थे, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड से मिली भारी हार ने चीजें और बदतर हो गई। इस दौरान क्वोटा सिस्टम के तहत तेम्बा बावुमा को टीम में शामिल किया गया और धीरे धीरे उन्हें तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी गई। उनके हेड कोच मार्क बॉचर ने भी उनका साथ नहीं दिया और बॉचर के साथ हुए एक नोकझोंक ने फाफ के करियर की लंका लगा दी। फाफ ने अपनी समझदारी दिखाते हुए टेस्ट से संन्यास ले लिया और अपना ध्यान 2021 और 2022 के T20 विश्व कप पर केंद्रित किया, लेकिन बॉचर ने उन्हें टीम में वापस लाने का कोई प्रयास नहीं किया और उन्हें नजरअंदाज करते रहे। फाफ ने इसका जवाब दुनिया भर के लीग क्रिकेट में रन बनाकर दिया, लेकिन उनका बोर्ड और सिलेक्टर्स ने उन्हें कभी भी टीम में वापस नहीं बुलाया। फैफ आज भी व्हाइट बॉल टीम के लिए तैयार है, लेकिन उनका बोर्ड उन्हें चाहता नहीं है। इस तरह क्वोटा सिस्टम और बॉचर ने फैफ का करियर खत्म कर दिया। फाफ की जिंदगी बताती है कि इतनी ब्रिलियंसी के बाद भी उनकी जिंदगी संघर्ष और कांटों से भरी रही। वो कहीं बार अनलकी भी रहे, लेकिन कहीं बार हालात के जिम्मेदार वो खुद भी थे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।